अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं universal.com। आज की मालूमाती वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वजन, ब्लड प्रेशर और शुगर को चने खाकर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी अल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आइंदा आने वाले वीडियोज आपको बर वक्त मिलते रहें। चने अक्सर सफ़ेद या काले चने के नाम से जाने जाते हैं। हम चने को उबालने और चाट में इस्तेमाल करने के अलावा भून सकते हैं। ये कैलोरी में कम हैं और गजाई अज्जा उनमें वाफिर मकदार में पाए जाते हैं। ये हमें बहुत से फवायद फराहम करते हैं। ये हमारी सेहत को फ़ायदा पहुंचाते हैं। हमारे लिए बहुत कारामद गजा है। ये न सिर्फ हमारे मुदाफती निज़ाम को फ़रोग देते हैं, तवानाई पैदा करने में मदद करते हैं, बल्कि इनमें विटामिन्स, मदनियात और फाइबर भी ज्यादा होते हैं। ये दर्ज ज़ेल तरीकों से भी हमारी मदद करते हैं, जो कि मुंदरजा ज़ेल है। अगर आप मज़ेदार, आसान और सेहत बख्श नाश्ता चाहते हैं तो अपनी खुराक में चने को शामिल करें। इनमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं। विटामिन्स के साथ मिलकर वो काफ़ी मकदार में प्रोटीन फराहम करते हैं। इनमें कैल्शियम, पोटाशियम, फाइबर, प्रोटीन और नमक की काफ़ी मकदार होती है, इसलिए यह गजाइत के लिहाज से काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। हमारी भूख को कंट्रोल करने के लिए चने बहुत अहम हैं। ये फाइबर और प्रोटीन फराहम करते हैं, जो हमारी मेटाबॉलिक मकदार को कम करती है। हमारे जिस्म की कैलोरी की मकदार को कम कर सकते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन और फाइबर शामिल है। एक तहकीक के मुताबिक, जो लोग 12 हफ्तों तक रोजाना 104 ग्राम तक चने खाते हैं, वो कम जंक फूड खाते हैं। चूंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर होता है, इसलिए जो लोग चने खाते हैं उन्हें भूख कम लगती है, जिसके नतीजे में कैलोरीज कम होती है। हर कोई सेहतमंद वजन में रहना चाहता है। मोटापा सेहत के मसाइल को मजीद खराब करता है, मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनने के अलावा, जो हमारे लिए परेशानी का बाइस है। एक सर्वे के मुताबिक, जो अफराद हर रोज चने खाने का फैसला करते हैं, चने का इस्तेमाल न करने वाले लोगों के मुकाबले में मोटे अफराद का वजन कम होने का इम्कान 53% ज्यादा होता है। शुगर ये एक खामोश बीमारी है, जो हमें अंदर से खोखला करती है। ये बहुत जरूरी है कि हम इसको कंट्रोल में रखें। मुतअद्दिद खाने हमारे खून में शाकर की सतह को भी कम कर सकते हैं। एक तहकीक के मुताबिक, जिन अफराद ने हफ्ते में 728 ग्राम चने का इस्तेमाल किया, उनमें शुगर रेगुलेशन में बेहतरी आई। दिल की बीमारी ये एक ऐसी हालत है जो हमें मारने की सलाहियत रखती है। चने में पोटाशियम और मैग्नीशियम की मकदार हमें दिल के मसाइल से बचाती है। चने हमें ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड प्रेशर को मुनज़्ज़म करने में मदद करते हैं, जो दिल की बीमारी का बाइस बनता है। इसके नतीजे में अगर हम उन्हें खाते रहें तो हम दिल के मसाइल से बच सकते हैं। ये हमारी जल्द और बालों के लिए नहायत मुफीद है। मजीद बरा, इसमें विटामिन्स शामिल हैं, जो फेफड़ों और छाती के कैंसर के खतरे को कम करते हैं। चने हमारे निज़ाम हाजमा को बहुत फ़ायदा देते हैं। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज को खत्म करता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मदद करते हैं। नाश्ते के तौर पर चने बेहतरीन हैं। वजन कम करने वाली गजा के तमाम मेयारात पर पूरा उतरते हैं। इनमें गजाई रेशा की मकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जिस्म को हजम करना मुश्किल हो जाता है और उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। आप भुने हुए चने को सालन में शामिल करने या बर्गर में मैश करने के अलावा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी मालूमाती वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।